नमस्कार, मेरे संगठन का नाम AACC है और जो ट्रस्ट है ये मेरी, और इसकी फुल फॉर्म है एक्शन अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन, जो ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड है मेरी। अच्छा, संगठन क्या कार्य करता है? संगठन में बेसिकली हमारा जो वुमेन होती हैं, जो भी घर से दुखी करते हैं, ससुराल वाले दुखी करते हैं, और जो पीड़ित होती हैं उन सबके लिए, छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं, बूढ़े जो घर वाले छोड़ देते हैं, उन सबकी पूरी पूरी हेल्प करते हैं हम लोग अपने इसमें। आपने संगठन शुरू करने का निर्णय क्यों और कब लिया? मैंने देखा कि हमारे जो इंडिया में, खास तौर से नरेला में, दिल्ली में काफ़ी करप्शन है और क्राइम भी बढ़ रहा है, उस चीज़ को देखते हुए कि छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, लेडीज़ें घर से छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भीख मांग रही है, इसीलिए मैंने ये शुरुआत की है ताकि कोई भी जो लेडीज़ें भीख ना मांगे उसकी जितनी हो सके हम हेल्प करें। अच्छा, बच्चों के लिए आपके लिए क्या लक्ष्य हैं और क्या कार्य करते हो बच्चों को ध्यान में रखें? बच्चे जो होते हैं, बड़े जो होते हैं सर, बड़े तो एक समझदार होते हैं, बड़े को ये पता है हम कहाँ जाना है क्या जाना है, बड़े बहुत आसानी से झूठ भी बोले थे, लेकिन बच्चे जो होते हैं कोमल होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, और बच्चे मैं मानती हूँ, हालांकि वो झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, बच्चे बिल्कुल सच बोलते हैं, तो मैं चाहती हूँ वो आने वाला हमारा भविष्य है वो सुधरे, वो सुधरेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी, इसीलिए जो भी बच्चा भीख मांगता है मैं उनको उसके घर वालों से मिलकर मीटिंग कर फिर उनको पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए आगे से आगे बढ़ावा देती हूँ, और स्टेशन सामान खुद से ही देती हूँ, और स्कूल में एडमिशन करा के और उनको मैं पढ़ाई के लिए शिक्षा के तरफ आगे करती हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपने अपना संगठन शुरू करने का निर्णय क्यों लिया, क्या कारण रहे कि आपको अपना संगठन शुरू करना पड़ा? सर, मैं ये बताना चाहूँगी, देखिए दूसरे के पास वर्किंग करना एक लेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात हो जाती है, हर कोई एक बर्डन सा डाल देता है कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, मैं जैसे बोलता हूँ, मैं जैसे रूल बनाता हूँ आपको वैसे ही करना, हर संस्था का अलग अलग रूल नियम वो बना लेते हैं जो भी वहाँ के हेड होते हैं, तो मैं नहीं चाहती, मैं जो अच्छा मेरे को दिखेगा कि ये दिक्कत में है या फिर ये काम करना चाहिए, वो बोलेगी नहीं मैडम आप ये काम नहीं करना, आपको ये काम करना, तो मैं किसी की फाउंडेशन में नहीं रहूंगी, मैं अपने रूल अपने खुद से बनाऊंगी, और मुझे दिखेगा कि हाँ इस लेडीज से हेल्प करने तो मैं कर सकती हूँ, खुल के कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने खुद का संगठन बनाया, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे, हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, कहीं पर भी कोई भी आए, मैं ये ना कहूँ ये एरिया मेरे पास नहीं आता, मैं आपकी हेल्प नहीं करूँ, कोई एक्सक्यूज नहीं, और मैं चाहती हूँ खुल के काम करना, मतलब मैं सबकी खुल के हेल्प करूँ सर। अच्छा, कई लोगों के मन में भी होता है कार्य करने के लिए, वो किसी संगठन से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके संगठन से कोई जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है और उसे क्या कार्य करने होंगे? बिल्कुल सर, मेरे संगठन में जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, खाली सिर्फ मैं ये देखती हूँ कि उनका आधार कार्ड वगैरह जो है रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ में देखती हूँ, साथ ही साथ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तीसरी बात सबसे बड़ी बात झूठ फरेब और धोखेबाज इंसान नहीं होना चाहिए, गरीब है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आके मेंबरशिप ले सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसमें हमारे यहाँ पर सरकारी फीस ओनली 150 रुपये में सरकारी फीस मेंबरशिप, वो भी इसलिए ले रही हूँ कि बंदा आज जुड़े कल की डेट में ये ना कहे नहीं मुझे काम नहीं करना, सदस्यता एक सिंपल शुल्क है जो वो मैं लेती हूँ, और उनको भी ट्रेन करती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ कि क्राइम करप्शन के ऊपर हमने कदम उठाना है। आगे भविष्य में आपके क्या लक्ष्य हैं संस्था को? जी, मेरा लक्ष्य सिर्फ ये है, जो भी क्राइम करप्शन है, जितनी भी हमारे एरिया में गंदगी है, या फिर बच्चों को लेके बच्चे भीख मांग रहे हैं उस टाइप का हो गया, लेडीज़ को छोड़ देते हैं इस टाइप का भ्रष्टाचार हो गया, क्राइम को टोटली फिनिश करना है, मुझे ख़त्म करना है, जितनी कोशिश हो सकेगी मैं अपनी कोशिश में कहीं भी चूक नहीं करूंगी, मैं अपनी कोशिश में लगी हुई हूं, और मैं ये पूरी तरह से कर सकती हूं क्योंकि मैं किसी की बंधी हुई नहीं हूं, मैं खुद से रूल बनाती हूं और खुद से ही उनको फॉलो भी करती हूं। सर, आप कितने सालों से समाज सेवा के कार्य में हैं? सर, मैं 8 साल से मैं समाज सेवा कर रही हूँ, और नरेला में हालांकि मुझे सभी लोग जानते हैं कि मैं समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ, और मैं इसीलिए समाज सेवा में जुड़ी हुई हूँ कि मुझे 8-9 साल से ये चीज़ देखने में आती है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, मुझे हर चीज़ बारीकी से पता है कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं अच्छे से इस काम को कर सकती हूँ।